वहीं बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर दें, जहां पर आपको बता दें कि रामपुर में सपा प्रत्याशी के नामांकन के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है। लखनऊ से प्लेन मुरादाबाद के लिए रवाना चार्टर्ड प्लेन को समाजवादी पार्टी ने बुक कराया है। सपा ने मौलाना नदवी को प्रत्याशी बनाया है और साथ ही साथ बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। आजम खान के दबाव में न आने का पार्टी ने फैसला लिया है। रामपुर जिला यूनिट को फटकार लगाई गई है। दरअसल कल देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जिसके बाद पार्टी आलाकमान काफी ज्यादा नाराज नजर आया था। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि रामपुर यूनिट के चुनाव का बहिष्कार करने पर सपा बाहर से नेता भेजेगी और इसीलिए ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर चार्टर्ड प्लेन को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि रामपुर की कमान संभाल सकते हैं, अन्य जिलों के हर जाति के नेता रामपुर भेजे जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रामपुर का जो चुनावी मैदान है वो बेहद दिलचस्प इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इस सीट को लेकर जहां बीते दिन चुनाव का बहिष्कार करने की बात सामने आई थी और अब इसी पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सपा प्रत्याशी के लिए नामांकन के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है। लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन मुरादाबाद के लिए रवाना किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि चार्टर्ड प्लेन को सपा ने बुक कराया है, मौलाना नदवी को प्रत्याशी बनाया गया है और क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एनडीए प्रत्याशी आज 6 सीटों पर नामांकन करेंगे, तो वहीं रामपुर की सीट भी एक ऐसी सीट है जहां पर अब तक समाजवादी पार्टी की ओर से चेहरा कौन रहने वाला है इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई थी। लेकिन अब जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है उसके मुताबिक आपको बता दें कि रामपुर में सपा प्रत्याशी के लिए जो नामांकन होना उसके लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है। लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन मुरादाबाद के लिए रवाना किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में ये तैयारी की गई है। आजम खान के दबाव में ना आने का पार्टी ने फैसला किया है और साथ ही रामपुर जिला यूनिट को फटकार भी लगाई गई है। दरअसल कल देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्टी आलाकमान बेहद नाराज है और रामपुर यूनिट के चुनाव बहिष्कार करने की बात सामने आई थी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, रामपुर का चुनावी मैदान बेहद दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि अब सपा प्रत्याशी के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था कर दी गई है। बिल्कुल, इसकी कई वजहें हैं। रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, हालांकि पिछले 2 बार के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना भगवा लहराती रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर में आजम खान का गढ़ है जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, हालांकि वो अब लगातार जेल में है और माना जाता है कि रामपुर और जो आसपास के इलाके हैं उस पर आजम खान का अच्छा प्रभाव है। यही एक वजह है कि अखिलेश यादव जब रामपुर मुरादाबाद जैसी सीटों का टिकट घोषित करने जा रहे थे उस दौरान वो आजम खान से सीतापुर जेल में जाकर मिले थे, उनसे बातचीत भी की थी और आजम खान ने कुछ नाम भी पार्टी को सुझाए थे जिस पर अखिलेश यादव ने विचार करते हुए एसटी हसन जो कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, घोषित प्रत्याशी भी हैं, उनको हटाकर रुचि वीरा को टिकट का ऐलान कर दिया गया था। वजह थी कि रामपुर के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र के आजम खान ने कहा था कि मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दिया जाए और जहां तक रामपुर का सवाल है वहां से अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे हैं। हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही चीजों को लेकर वो विचार करेंगे, पार्टी फोरम में बात रखेंगे, जो चीजें तय होंगी उसको किया जाएगा। लेकिन इसके बाद कल जब रामपुर जिला इकाई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया, तो इसके बाद अखिलेश यादव ने अब रामपुर से मोहिबिल्ला नदवी जो कि पार्लियामेंट मस्जिद दिल्ली के इमाम है उनको प्रत्याशी बना दिया है। चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और समय बचा नहीं है, फॉर्म बी जो किसी भी प्रत्याशी को
पार्टी की तरफ से सिंबल और ये फॉर्म दिया जाता है जब वो नामांकन करते हैं, तो जो अधिकृत पार्टियां होती हैं उनके प्रत्याशी इस नामांकन पत्र के साथ जाते हैं, तो समय नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चार्टर्ड प्लेन लखनऊ से बुक करके मुरादाबाद भेज दिया गया है। ये चार्टर्ड प्लेन मुरादाबाद उतरेगा, मुरादाबाद से ये नामांकन पत्र रामपुर पहुंचाया जाएगा, जहां मोहिबुल्ला नदवी जो कि इमाम है वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। मतलब सीधे तौर पर अब समाजवादी पार्टी ने आजम खान के दबाव में ना आने का फैसला ले लिया और अखिलेश यादव की तरफ से प्रत्याशी घोषित करना, साथ ही साथ दूसरी सीट भी है जो कि मुरादाबाद की सीट है, उस पर भी अब जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि रुचि वीरा नामांकन नहीं करेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के दबाव में ना आने का फैसला ले लिया है, क्योंकि लगातार आजम खान इन सारी चीजों को लेकर दबाव बना रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव ने चीजें मानी भी थी, लेकिन जब जिला यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो अखिलेश यादव ने इन सारी चीजों को अन्यथा ले लिया। मतलब सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने नाराजगी दिखाई और वो फैसले जो पार्टी लेना चाहती थी वो फैसले बिना आजम खान के दबाव में आए ले लिए हैं, और अब चार्टर प्लेन के जरिए जो नामांकन पत्र था वो मुरादाबाद भेज दिया गया है, और अब से थोड़ी देर बाद वो मुरादाबाद से रामपुर पहुंचेगा, जहां पर मोहिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रामपुर से नामांकन करेंगे। बिल्कुल, देखिए एसके, क्योंकि अगर बात रामपुर की करते हैं तो रामपुर जब जिक्र होता है तो आजम खान पहला नाम सामने आता है किसी के भी जहन में, क्योंकि गढ़ रहा है। और लोकसभा चुनाव ऐसा नहीं है, क्योंकि लंबे समय से चाहे बात बीजेपी की करे समाजवादी पार्टी की करे लंबी तैयारियां चल रही थी। आखिर जो गढ़ सीट रहे, हॉट सीट रही है, जो कभी हमेशा आपके वोट बैंक का एक बड़ा साधन रहा है, ऐसी सीटों पर आखिर समय तक मंथन का दौर चल रहा है, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसकी कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि करीब 47% जो वोटर हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। मतलब साफ है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां पर मुस्लिम मतदाता जो अपनी भूमिका है वो निर्णायक के तौर पर निभाते हैं। चूंकि आजम खान का गढ़ है, बड़े मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं, लगातार समाजवादी पार्टी जो भी फैसले खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर करती है उसमें आजम खान की जो सिफारिश होती है कई बार समाजवादी पार्टी ने मानी है। चूंकि इसीलिए अखिलेश यादव रामपुर के गढ़ माने जाने वाली सीट को लेकर जब प्रत्याशी तय कर रहे थे तो सबसे पहले आजम खान से जेल में जाकर मुलाकात की थी। हालांकि इन सारी चीजों के बाद कुछ चीजें तय भी हुई थी, लेकिन कहीं कहीं विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये चीजें बदल गई हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी 2019 हो या 2014 हो, रामपुर सीट को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं अपने गढ़ के तौर पर उसको गिनती रही है, और हालांकि जब उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी ने वो सीट जीत ली थी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी कोशिश होगी कि अपनी जीती हुई सीट को दोबारा वापस पाया जाए, उसके लिए किसी ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जिससे कि जो मुस्लिम मतदाता है वो उसको वोट करें। हालांकि इसके पहले अगर हम देखें तो 2009 में भी जब जया प्रदा को समाजवादी पार्टी ने आजम खान के गढ़ से प्रत्याशी बनाया था, उस दौरान भी आजम खान ने उनको नापसंद करते हुए उनका विरोध किया था, लेकिन बावजूद इसके जया प्रदा वहां से चुनाव समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के तौर पर जीत गई थी। कुछ उसी तरीके की तस्वीरें इस बार भी दिखाई देंगी, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आजम खान विरोध भी करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी समाजवादी पार्टी वो सीट जीत लेगी। हालांकि परिणाम क्या होगा ये तो जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आजम खान के दबाव में ना आने का फैसला जरूर कर लिया है। यही एक वजह है कि आजम खान के अगेंस्ट जाकर अब चाहे वो मुरादाबाद हो या रामपुर हो वहां के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी घोषित कर रही है। ठीक है, हमारे साथ फहीम भी जुड़ चुके हैं। फहीम, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन अब पिक्चर साफ हो चुकी है। नदवी जो कि चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, बाकायदा उनके लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं दीपिका। मोहिबुल्ला जो नदवी हैं वो रामपुर में सपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब चार्टेड प्लेन भी बुक करा दिया और प्रत्याशी भी उसको मान लिया गया मोहिबुल्ला नदवी को, तो फिर उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया अभी तक? सवाल ये भी है, उनके नाम का ना ऐलान किया गया ना अभी बताया जा रहा है कि वो प्रत्याशी है। सिर्फ जो है मीडिया चैनल ही अंदर से सूत्रों से निकाल निकाल कर अपने दर्शकों को अपनी जनता को बता रहे हैं कि आपका प्रत्याशी ये होने वाला है, लेकिन मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी बताते हुए क्यों शर्मा रही है,
बताते हुए क्यों झिझक रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर अगर आजम से बगावत का बिगुल फूंक ही दिया है समाजवादी पार्टी ने तो उसको क्लियर क्यों नहीं करती है, उसको साफ क्यों नहीं करती है। लोग जो हैं वो लगातार हमें फोन करने के बाद पूछ रहे हैं कि प्रत्याशी कौन होगा। समाजवादी पार्टी के लोग भी असमंजस में है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। चार्टेड प्लेन तक हो चुका, प्लेन से पैराशूट से प्रत्याशी को उतारा जा रहा है रामपुर में, जो बाहर का प्रत्याशी है। रामपुर के जो समाजवादी पार्टी थे उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। आजम खां के ऑफर के बाद अखिलेश को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो ये चल रहा है तो क्या चल रहा है, समझ से बिल्कुल बाहर है। समझ में हमारे नहीं आ रहा तो जनता और दर्शक क्या समझेंगे इसको। लेकिन चूंकि ये सियासी अखाड़े में सियासी चाले हैं तो ये बड़ा दिलचस्प हो चला है रामपुर का सियासी अखाड़ा। और देश और दुनिया की नजरें एक बार आजम खां के यहाँ ना होने के बावजूद भी फिर से टिक गई है कि आखिर इसमें किस तरह से अखिलेश यादव वही भूमिका तो नहीं निभाने जा रहे हैं जो कि मुलायम सिंह यादव ने जयप्रदा को जिताने के लिए निभाई थी। तो बड़ी बात यही है कि इस वक्त जो है वो चार्टेड प्लान से जो प्रत्याशी हैं वो उतारे गए हैं रामपुर के लिए, वो चल चुके हैं, यहाँ पहुंचेंगे, उनका चेहरा देखेंगे हम, तभी उनको समझेंगे, या वो जब नामांकन कर देंगे और वो बाहर निकलेंगे तब हम मानेंगे कि साथ ये प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इससे पहले वो बताने के लिए तैयार नहीं समाजवादी पार्टी, ना ट्विटर हैंडल पर वो प्रत्याशी की जो सूची जारी करती है पीडीए के नाम से वो भी उसको अभी तक नहीं देखा हमने। ये मजे की बात यह है कि ये है क्या, मैं अगर दूसरे शब्दों में इसको कहूं तो ये जो है अजीब सा खेल खेल रहे हैं। और ये खेल क्यों खेल रहे हैं, यहाँ जो जनता है जो रामपुर का वोटर है वो इस खेल को पसंद नहीं कर रहा है, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था वो बिल्कुल प्रचार में जुटे हुए हैं, आज नामांकन कर रहे हैं, इस वक्त उनकी सभा चल रही है, उनकी सभा चल रही है, उसके अंदर उनके नेता मौजूद है, वो नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आएंगे। तो दीपिका सवाल ये है कि आखिर प्रत्याशी को ये क्या है, ये मजबूरी क्या है, इतनी मजबूरी है कि प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर सकते। अच्छा कर भी दिया आपने तो मन मन में कर दिया, जनता को बताओगे नहीं क्या कई बड़े सवाल हैं। ठीक है फहीम लौटूंगी इसके। देखिए ये एक टफ डिसीजन के तौर पर सामने आ रहा है क्योंकि पहले जहां पर चर्चा थी कि रामपुर से हो सकता है कि अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं, लेकिन ये चर्चा भी कहीं ना कहीं जस की तस नजर आई, हवाई नजर आई है। और आज जब नामांकन की जो तिथि है वो आखिरी है और कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, ऐसे में ये डिसीजन लेना और अभी तक फिलहाल कोई आधिकारिक इस पर बयानबाजी या फिर सूचना भी नहीं जारी हुई है, कई बड़े सवाल हैं। बिल्कुल ये सवाल इसलिए भी हैं कि इसकी कई वजहें हैं। एक तो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो समाजवादी पार्टी जानती है कि किसी ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जो कि मुस्लिमों का वोट पा सके, सबसे बड़ी बात यही है। यही एक वजह है कि मुहिबुल्ला नदवी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि भले ही वो इसके लिए किसी का नाम जारी ना कर रहे हों, लेकिन सीधी सी बात है कि लखनऊ से चार्टर प्लेन बुक करके नामांकन पत्र भेजा गया है और अब से थोड़ी देर बाद वो मुरादाबाद के बाद रामपुर के लिए रवाना हो जाएगा। तो सीधे तौर पर, और जहां तक अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का सवाल है, जब अखिलेश यादव ने आजम खान से जेल में मुलाकात की थी तो आजम खान ने दो सीटों को लेकर अपनी इच्छा जताई थी। एक तो मुरादाबाद पर रुचि वीरा को टिकट दिया जाए, एसटी हसन का टिकट बदल दिया जाए, दूसरा रामपुर से खुद अखिलेश यादव मैदान में उतरे। हालांकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी की जो जिला इकाई है रामपुर उसने भी पत्र लिखा था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आजम खान के हिसाब से हो रही थी, अखिलेश यादव इन सारी चीजों को लेकर विचार भी कर रहे थे और उम्मीद की जा रही थी कि यादव परिवार से ही किसी को रामपुर में उतारा जाएगा। लेकिन जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी की जिला इकाई ने कर दी, सीधे तौर पर यह समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही पार्टी में बिगुल फूंक दिया है रामपुर की जिला इकाई में। तो कहीं ना कहीं 2009 जैसी तस्वीरें जो जयाप्रदा के इलेक्शन के दौरान थी उसी तरीके की तस्वीरें फिर से रामपुर में समाजवादी पार्टी यूनिट में बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जो प्रत्याशी सपा घोषित कर रही उसका विरोध रामपुर की स्थानीय इकाई कर रही है। अब देखना यह है कि जब चुनाव होगा तो सपा कैसे वहां पर अपने प्रत्याशी को मैनेज करती है, कैसे वहां पर उनके लिए प्रचार करती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि बाहरी नेता जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश भर के वो वहां जाएंगे और सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। अब देखना यह है क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं। कुछ घंटों का समय है जब समाजवादी पार्टी रामपुर में आज अपना नामांकन करेगा क्योंकि अंतिम दिन भी आज है।
ठीक है फहीम, आपकी जिस तरह से स्थिति लगभग साफ हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद क्लियरिटी भी इसको लेकर पूरी तरह से हो जाएगी। अब अगर सियासी पारे की बात की जाए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी तो वहीं दूसरी ओर मोहिबुल्ला नदवी मैदान में रहने वाले हैं, ऐसे में अब क्या कुछ स्थिति बनेगी? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी में बगावत हुई और आजम खान से टकराने की कोशिश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की, तो यहाँ समाजवादी पार्टी दो फाड़ तो होगी होगी, लेकिन इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को बहुत टाइम तक होगा, क्योंकि यही एक ऐसा पिलर बाकी बचा है समाजवादी पार्टी के पास जिसमें समाजवादी पार्टी टिकी हुई है, और अगर इस पिलर को तोड़ा गया, जो मेरा आंकलन, तो इसके परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों पर और मुस्लिम वोटरों पर अब तक राज करती चली आई है, 9% राज नहीं कर सकते जब तक ये 19% उसमें ना मिल जाए। चलिए ठीक है, तो फैसला अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन फैसला समाजवादी पार्टी की ओर से ले लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।